यमुनानगर में लोकपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन मॉडल टाउन दशहरा ग्राउंड में किया गया। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवकों ने भाग लिया। यमुनानगर विधायक श्यामदास अरोड़ा ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यमुनानगर विधायक श्यामदास अरोड़ा ने इस दौरान रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बने सैकड़ों प्रतियोगियों को देश की एकता एवं अखंडता के प्रति शपथ दिलवाई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ओजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी सारे देश से लोहा एकत्र करके बनाया है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को वो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और अब देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से दे रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ। भारत माता की जय। वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं, 31 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है। जन्म जयंती के अवसर पर सारे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है और वो यूनिटी के प्रतीक हैं। उन्होंने अनेक रियासतों को मिलाकर सारे भारतवर्ष को एक किया था। उनकी स्मृति में आज यमुनानगर जिला प्रशासन ने CEO जिला परिषद नवीन आहूजा जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर और भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 5,000 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, इसकी व्यवस्था, इसका अनुशासन प्रशंसनीय है और निश्चित रूप से सभी दर्शकों का इस रन फॉर यूनिटी ने मन मोह लिया।